डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर सेकंड। मेरे पास है 2022 का पेपर है ये, श्रीदेव सुमन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। इसमें ये हमारा जो इसका टॉपिक है, सामान्य अभियोक्ता तथा विशिष्ट अभियोक्ता योग्यता परीक्षण, यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है साइंस वर्ग में। इसमें दो पार्ट हैं हमारे, एक तो हमारा ये जनरल इंटेलिजेंस का है और दूसरा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें शुरू में ये इंस्ट्रक्शन दी होती है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने एक स्टूडेंट से लिया है, तो उसने अपने हिसाब से इसमें टिक मार्किंग की है। तो लेकिन आप अपनी तैयारी अपने ढंग से इसको करें। कुछ क्वेश्चंस देखिए मैं इसमें से पढ़ देती हूँ। जैसे कि ये सीरीज़ है, इसमें ब्लैंक जो है वहाँ क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर हमें फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें जैसे ये है हमारा डिकोडिंग का है, ये वर्ड है, इसका डिकोड करके ये किया गया है। तो मशीन जैसे लैंग वर्ड है, उसका कोड जो आएगा वो क्या है वो पढ़ना है। फिर हमारे पास लॉजिकल रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसे पी आर का पिता है, एस क्यू का पुत्र है, टी पी का भाई है, यदि आर एस आर जो है एस की बहन है तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल की आयु सुनीता से दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी, अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये नेटवर्क से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ऐसे ही सिक्स क्वेश्चन ये देखिए आगे टीचिंग के ऊपर, आगे टीचर्स के लिए। फिर कक्षा संचार का सामान्यतः माना जाता है, इसके बारे में लिखना है। और फिर ये सीरीज़ हमारे पास आ गई, इसमें इसे हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट इसमें। फिर ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है कि सुमित पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, 135 डिग्री दाएं चलता है, 90 डिग्री दाएं चलता है, फिर 45 डिग्री बाएं चलता है, उसका मुख किस दिशा में है। फिर ये टेंथ से और ट्वेल्थ क्वेश्चन के बीच में हमें ऑड मैन आउट करना है, मतलब जो इसमें विषम है उसको निकालना है। ये देखिए फिर हमारे पास 13th क्वेश्चन आ जाता है कि जो लीप ईयर है उसमें फर्स्ट डे जो है ईयर का वो मंडे है और अंतिम दिन उसका हमें बताना है क्या होगा। फिर ऐसे 14 से 15 तक हमारे पास ये रिलेशन है कि सीता गीता से लंबी है, गीता ममता से लंबी है, ममता किरण से छोटी है और किरण सीता से लंबी है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16। और इसके बाद ये हमारे पास फिर से ये ब्लैंक जो इसमें स्पेस है इसमें हमें भरना है। फिर ये कोडिंग के ऊपर आ जाता है, ये 19th क्वेश्चन। फिर 20th क्वेश्चन ये रेशो में है, इसमें जो ये हमारा ऑपरेटर है 14 #13=9, इसके बेस पर हमें इसका आंसर देना है। फिर 21 से 25 जो क्वेश्चन है वो हमारे फिर से लॉजिकल रिलेशन के ऊपर है। ये देखिए ये इसमें क्वेश्चन है, ये इसमें से 21 से 25 तक हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें पूछा गया है। फिर ये 26 क्वेश्चन है, इसमें जो मैट्रिक्स है इसमें फिल इन द ब्लैंक में हमें जो इमेज है वो भरनी है। फिर ये 27th क्वेश्चन आ गया, ऐसे 28th क्वेश्चन आ, फिर लॉजिकल इसमें है कि प्लस का अर्थ डिवीजन है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, इससे हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। फिर ये कोडिंग के ऊपर है क्वेश्चन, फिर अगेन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर ये देखिए इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क जहाँ है उसे फिल करना है। फिर ये मैट्रिक्स है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर इमेज फिट करनी है। फिर 2 जनवरी 2000 से 15 मार्च 2000 तक कितने दिन होंगे, ये लीप ईयर का क्वेश्चन है। फिर ये हमारे पास सीरीज़ है, इसमें से ऑड मैन आउट करना है। फिर ये सीरीज़ है, इसमें हमें लास्ट कंप्लीट करना है इसको। फिर ये रेशो का क्वेश्चन आ गया है, इसी तरह से ये बॉटनी का क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान #2 पौधे और कीट विज्ञान #2 क्या होगा ये लिखना है। इसी तरह से ये नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 39th क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में है, व्यक्ति के विकास से तात्पर्य है, इसमें भरना टिक करना है हमें। फिर 42th क्वेश्चन है,
43वां क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक है। फिर ये 44th क्वेश्चन है, बहुत आसान है, दूध दही इस दही और पानी किसके इक्वल होगा। और फिर ये इसमें से ऑड मैन ऑड निकालना है, विषम। फिर इस नेक्स्ट भी यही है क्वेश्चन हमारे पास। फिर बच्चे का प्राथमिक शिक्षक कौन होता है, शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। फिर शिक्षक को छात्र के विकास के लिए क्या करना चाहिए। फिर ये सीरीज आ गई है मैथमेटिक्स की, इसमें कंप्लीट करनी है। फिर 51 से 55 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये एक पैराग्राफ दे रखा है इसके बेस पर, ये रिलेशन लॉजिकल रिलेशन पर ही है, इसको कंप्लीट करना है और इसके बेस पर ये क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। देखिए इस तरह से ये 54, 55, 56 क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। फिर ये कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये 58 है, 59th ये मैथमेटिक्स का है। और चित्र देखें, चित्र को देखते हैं किताब को पढ़ते हैं, ये आ गया है। इसमें जो ये निशान लगा रखे हैं ये किसी स्टूडेंट के हैं, इन पर आप नहीं जाएंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, फिर ये हमारा आ गया, द नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज विल बी, क्या होगा ये भरना है। फिर ऑड वंस इसमें से निकालना है, शिक्षक की मुख्य भूमिका की पहचान क्या होती है, एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होते हैं, प्रभावशाली शिक्षण में सम्मिलित है। फिर ये रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चन है इस तरह से, ये देखिए। ये लॉजिकल रिलेशन पर क्वेश्चन है। फिर एक घंटे में कितने 5 मिनट होते हैं, श्रृंखला पूरी करनी है सीरीज़। फिर इसमें से जो फिर इन ब्लैंक है उसको भरना है। सेम इसी टाइप से मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। फिर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, फिर ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। फिर एक जैसे एक थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, एक व्यक्ति को सेब और आम दोनों खरीदना है, सेब की कीमत 7 रुपये जबकि आम 5 रुपये, यदि व्यक्ति के पास 38 रुपये हैं तो वो कितने सेब खरीद सकता है, ये निकालना है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। फिर 1 जनवरी 1995 को रविवार था, 1 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। फिर ये इमेज है, इसमें फिल इन द ब्लैंक बताना है, ये इसी टाइप के देखिए रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये। ये फिर है 95th क्वेश्चन है, थ्योरी का है ये। और 96th है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर पर के बाएं में 11वां अक्षर ज्ञात करना है। ये 97th है, 98, 100th क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी आ जाता है जो कि हमारा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइंस के ऊपर है। इसमें ये हमारे साइंस के क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में से कौन एसिटिक एसिड में है घुलनशील है, ये केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये देखिए 104वां क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। 105 सिमिलरली 106 एंट्रोपी का है क्वेश्चन। फिर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, अम्ल व क्षार मिलाने पर क्या बनता है, ये देख। फिर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये। फिर न्यूटन के प्रथम गति के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, ये लिखना है। इसमें जो इंग्लिश में भी आपका एक है ये सारे क्वेश्चन, तो दोनों जगह से आप देख सकते हैं ये। 116वां क्वेश्चन आ गया है, फिजिक्स का है। 117, 118, 120 ये देख
ये फिर हमारे ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया एंगल का। फिर एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट आने की क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या लिखने, नेचुरल नंबर्स। ये इस तरह से क्वेश्चन, फिर ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। फिर रक्त में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ये बायो टाइप के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन है ये। 137 आ गया। फिर 138 में ये देखिए, ये और है 141वां, मोती बनता है किस उससे, पाइप, मछली, फिल इन द ब्लैंक है। कुछ शब्द हिंदी में लिखे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, तो इंग्लिश का पोर्शन आप चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट ने कैलकुलेशन अपनी कर रखी है, पर आप अपनी करेंगे। ये मैथ्स के आ गए हैं क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के तुल्य है, जनरल मैथ्स है ये। जल में तरंगे होती हैं, उनकी वो बतानी है। ये केमिस्ट्री के आ गए हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है, बायोगैस में पाई जाती है मीथेन कितने परसेंट, ये बताना है। फिर 187 ये आ गया, जैविक का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, जनरल क्वेश्चन है। बेल का फल है, मक्का का दाना है, और ये 196 आ गया है। ये हमारा 200 लास्ट क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये बताना है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर पूरा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी।